हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में हम इस बॉटल को डेकोरेट करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि डेको ट्रांसफर शीट कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ न्यू टेक्निक, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ होल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो पहले हम इसको वाइट एक्रेलिक कलर दे देंगे, फिर ये चॉक पेंट दे देंगे, अब उसको ड्राई होने देंगे हम। अब ये है डेको ट्रांसफर शीट हमारे पास, अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट्स अपने सरफेस पे पेस्ट करना है उसको आपको कट कर लेना है, और आपको ठीक से अगर आप कट करते हो जितना, उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप सारे एलिमेंट्स कट कर लो जितने भी आपको यूज़ करने हैं। मैंने सारे एलिमेंट्स कट कर दिए। फिर अब हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है डेको ट्रांसफ़र के लिए। अब इसके बाद हम हर एक एलिमेंट लेके फिर डिसाइड कर लेंगे पहले कि कहाँ कहाँ लगाना है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट एक फिल्म होती है, लाइक एक लेयर होती है ऐसी, वो हमें निकाल देनी है और सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। तो अब वो स्टिक हो चुका है हमारे बॉटल के ऊपर। तो जो भी सरफेस आप यूज़ कर रहे हो उसके एग्जैक्ट ऊपर वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। जैसे आप वो ट्रांसपेरेंट लेयर निकाल देते हो वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब हम सारे एलिमेंट्स उसके ऊपर अलग अलग जगह पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप प्लेन सरफेस पे करते हो तो आपको ये बहुत इजी जाएगा, ये बॉटल पे थोड़ा सा हार्ड है, बट फिर भी इतना हार्ड नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। और आप कोई भी डिज़ाइन आप अपने बॉटल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस अवेलेबल है इट्स ए बिट्सी क्राफ्ट स्टोर के वेबसाइट पे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस ये जो पर्टिकुलर डेको ट्रांसफ़र शीट मैंने यूज़ की है इस बॉटल के लिए, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा स्पंज ले लेना है, और स्पंज में थोड़ा सा पानी लेना है, और इसके ऊपर आपको पानी लगा देना है। जैसे ही आप पानी लगाते हो तो जो ऊपर की पीछे की जो वाइट साइड है वो आपको दिखेगा कि वो निकल के आएगी। आपको सिर्फ उसको निकाल देना है, और आपका जो भी इमेज है या जो भी डिज़ाइन है वो इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे कोई पेपर है ही नहीं, जस्ट एक वेरी थिन लेयर ऐसा दिखता है वो। और सेम चीज़ हम हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे। और अब ये पूरी हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपको वार्निश देना है। ये स्टेप्स याद रखना कि ये सारी चीज़ होने के बाद आपको वार्निश अप्लाई ज़रूर करना है। तो मैं ग्लॉस फिनिश का वार्निश यूज़ कर रही हूँ, और मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसको लगाने के लिए। इस तरह से आप इजीली वार्निश दे सकते हो। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट्स और ऐड किए, और यहाँ पे भी एक एलिमेंट मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस लग रहा था वहाँ पे। और उसके बाद मैंने सेम प्रोसीजर यूज़ करके फिर अगेन मैंने वार्निश दे दिया इसके ऊपर। बट आप ऐसा मत करो, आप पहले ही लगा दो वार्निश से पहले जितने भी एलिमेंट्स आपको लगाने हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि कुछ ऐसा पिंक टाइप का कुछ चाहिए, लाइक पिंक कुछ मिसिंग है। तो ये मैक्रम थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर, और उसको लगाने के लिए मैं ये सिलिकॉन ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आप फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ग्लू गन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ये जो मैक्रम थ्रेड है ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, ये आप हमारे स्टोर से भी परचेस कर सकते हो। मैं लिंक दे देती हूँ इंस्टाग्राम स्टोर की, उसमें आप जाके जस्ट DM कर दो आपको जो भी कलर चाहिए है, और आपको शिपिंग चार्जेस और बाकी सारे डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। इसकी जगह पे आप वूल भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है।
तो ये है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ स्टिक किया हुआ है, जस्ट उसमें वो इस तरह से मिक्स हो गया है कि वो उसी का पार्ट है या फिर कुछ पेंट किया है, राइट? तो यही आउटपुट हमें चाहिए है। सो गाइज, ट्राई दिस सुपर इजी DIY एंड शेयर योर क्रिएशंस विथ मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.